This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बड़े दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चले आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं सबके लिए बहुत ही मजे की रेसिपी है, आप इसे घर पे ट्राई करिए जब तक हम आपको बताते हैं। आज हम बना रहे हैं वेज पुलाव, बहुत ही मजे की रेसिपी है। चले हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिए है 2 अदद गाजर, हमने काट ली है इसको लंबा, हमने इसको काट लिया है, देख लीजिए आप इसकी कटिंग। उसके बाद हमने लिया है बंद गोभी का फूल, थोड़ा सी हमने लिया, अगर ये आप ऑप्शन आप उसके बाद हमने लिया है गोभी का फूल, आप एक्स ऑप्शनल है, या अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, हमें पसंद है इसलिए हम डाल रहे हैं। उसमें हमने लिया है 1 पाव मटर, उसके बाद लिया है 2 अदद प्याज, हमने लिया है 1 स्मॉल 2 आलू अपनी पसंद के, आप अपनी पसंद के बड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने लिए है, अब हमने उसके बाद लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने लिया है नमक हसबे जायका, 3 अदद लिए हैं हमने पत्ते, कड़ी पत्ते, और उसके बाद हमने लिया है 4 से 5 लौंग और 2 दालचीनी और हमने लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके बाद हमने 1 अदद टमाटर लिया है जिसको हमने लंबा काट लिया है, मतलब स्लाइस की तरह काट लिया है। हमने जिंजर लिया है, मतलब अदरक को हमने भी लंबा काट लिया है स्लाइस में, और उसमें हमने 6 सब्ज मिर्चें ली हैं, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। चले अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हमने एक पतीला लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल और उसको हम गर्म होने देंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाए। गर्म हो रहा है, ये देख लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज और इसको हम फ्राई होने तक पकाएंगे। देख लीजिए प्याज जो है फ्राई हो रहा है। जब तक प्याज फ्राई होता है तब तक आप भी ब्रेक लीजिए, हम भी ब्रेक लेते हैं। प्याज फ्राई हो रहा है, फिर उसके बाद आपको अगले स्टेप बताएं। कि देख लीजिए प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन फ्राई हो गया, हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा किया है। अब हम इसमें सारे अपने गरम मसाले और नमक मिर्च डालेंगे, हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था और इसको हम अच्छी तरह से अब फ्राई कर लेंगे लहसुन को इसमें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मतलब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने, ताकि हमने इसमें 1 चम्मच हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना और हमारे चावल जो है मतलब हमारा पुलाव जो है वो मज़ेदार बने। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक नमक मिर्च और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सूखा धनिया। आप इस हमने जीरा सूखा धनिया डाल दिया है, आप इसमें इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप साबुत डालते हैं तो इसका जायका और भी मज़े का आएगा, मतलब इसकी खुशबू चावलों की बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसमें सब्जियां डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे भून लें, उसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां, सबसे पहले मटर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बंद गोभी और फिर ऐड कर देंगे हम इसमें आलू और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इन सब्जियों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे।
भून के फिर अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये फ्राई हो रही हैं, सब्जियां जो है बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 1.5 ग्लास चावल लिए हैं, तो उसके हिसाब से हम 3 ग्लास पानी लेंगे और इसको डाल के हम ढाम देंगे इसको, और इसको पकने देंगे इसकी सब्जियों को। ये देख लीजिए, पानी हमने डाल दिया, अब इसको ढाम देते हैं और इसको हम, ये देख लीजिए, अब हम इसको ढांपेंगे तब तक जब तक इसका पानी बॉयल नहीं हो जाता। अब हम इसको ढांपेंगे जब तक इसका पानी जो है बॉयल नहीं हो जाता। चलें अब हम इसको ढाम के रख देते हैं और कुछ ही मिनट बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं और हम आपको अगला स्टेप। पानी का बॉयल आ गया है, देख लीजिए पानी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने भिगो के पहले से रखे हुए हैं। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे हम। मिक्सर से सारे चावल हम जितने हैं वो डाल देंगे, फिर उसके बाद आपको दिखा। अब ये देख लीजिए, हम इसमें चावल हमने ऐड कर दिए हैं और अभी हम इसमें मिक्स करने के लिए इसको हिला रहे हैं। जब तक हम दम नहीं लगा लेते तब तक हम चावलों को नहीं हिलाएंगे, वरना आपके जो चावल हैं वो ख़राब, मतलब वो थोड़े ना वो हो जाते हैं, ख़राब हो जाते, टूट जाते हैं चावल, वैसे नहीं होंगे, बिल्कुल सही आपके मज़ेदार चावल बनेंगे। चलें अब इसका हम पानी खुश्क होने देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा आपसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें और इसका पानी काफ़ी हद तक सूख गया है, थोड़ा सा रह गया, जब तक वो खुश्क होता है तब तक हम इंतज़ार करें। पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम दम पे लगाएंगे। ये देख लीजिए, चावल जो है वो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम दम के लिए हम एक रुमाल लेंगे और उसको हम ढक्कन में लपेट देंगे। अब हमने दम पे लगा दिया है इसको, मतलब ना रुमाल लपेट के उसके साथ ढक्कन के साथ रख दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक दम देंगे और फिर हम आपको गरम गरम चावल जो है हमारा वेज पुलाव पेश करेंगे। अब हम दम खोल लेते हैं, देख लीजिए कितनी ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब चावलों को हम हल्के हल्के से हिलाएंगे, इस तरह से हम हिला लेंगे चावलों को और फिर उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखा। ये लीजिए, हमारा मज़ेदार पुलाव वेज पुलाव तैयार हो गया है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और बहुत ही जालिम किस्म की खुशबुएं आ रही हैं इसकी कि आप ना ही पूछें। अभी मैं कैसे कंट्रोल करके बैठी हूँ मुझे पता है। आप, मुझे तो बहुत पसंद है, हमने बनाया है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है वेज पुलाव। आप भी अपने घर पर बनाएं और हमें ज़रूर शेयर करें कि आपका कैसा बना है और आपकी तारीफ हुई है या नहीं। सो अब की बार हम दोबारा आएंगे नई डिशेस के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ और आपको मज़े मज़े की उम्दा सी रेसिपीज़ और सिखाएंगे। अगली बार के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।